बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। मैंने अपने लिए लोन का ड्रेस लिया था और मैं अब आपके साथ भी शेयर करूँगी कि मैंने कहाँ से उसका दुपट्टा लिया और कहाँ से उसका ट्राउज़र लिया और उसको किस तरह से डिज़ाइन करवाया। और मैं आपके साथ इसलिए शेयर करूँगी कि अगर आप भी लॉन का ड्रेस सिलवाना चाहते हैं तो आपको भी आइडिया हो जाए। अब मैं आपको आगे सारा दिखाती हूँ। ये शर्ट थी जो कि मैंने अलहदा से ली थी, इसके साथ ट्राउज़र और दुपट्टा नहीं था। तो मैंने ये इस तरह से ऑल ओवर डिज़ाइन लिया था और साथ इसके नीचे छोटा सा बॉर्डर भी बना हुआ था और बाकी सारा फ्रंट साइड से और बैक साइड से सेम इस तरह का ही डिज़ाइन है। और साथ ये मैंने इस तरह का जो इसका गला है वो मैंने इस तरह से डिज़ाइन करवाया था और फिर उसके बाद जो इसके बाजू हैं वो मैंने इस तरह के डिज़ाइन करवाए हैं। और ये डिज़ाइन जो है बाजुओं का, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अब मैं आपको इसका दुपट्टा दिखाती हूँ। ये मैंने अलहदा से दुपट्टा लिया था। ये जो लेस लगी हुई है ये पहले से लगी हुई थी, साथ ये जो चुनटे डली हुई हैं ये भी पहले से ही थी। तो ये मुझे साथ इसका जो दुपट्टा था वो बहुत ही अच्छा मिल गया था। तो अब ये दिखाती हूँ इसका जो लेस लगी हुई है, और ये देखें ये इसकी लेस है और साथ इसकी जो चुनटे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन में बनी हुई हैं और ये लेस भी बहुत प्यारी है इसकी। और ये देखें ये इसकी जो चुनटे हैं ये बहुत ही प्यारी लग रही हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसके साथ मैंने ये वाला ट्राउज़र बनवाया है, ये भी मैंने अलहदा से लिया था। तो अब इसका ट्राउज़र इसके साथ बहुत अच्छा मैच हुआ है। अब मैंने पूरे ड्रेस को एक साथ रख दिया है ताकि इसके जो कलर कम्बिनेशन का अंदाज़ा हो जाए कि इसके साथ ट्राउज़र किस तरह का होना चाहिए और इसके साथ दुपट्टा किस तरह का होना चाहिए और एक साथ ये कैसे लगते हैं। तो इसलिए मैंने इनको एक साथ रख दिया है। जिस तरह का शर्ट का कलर था उस तरह का ट्राउज़र बनवाया है और जो इसके अंदर डिज़ाइन था उस कलर के इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करवाई है और साथ उस कलर का ही दुपट्टा लिया है। तो इस तरह से ये ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके अलावा ये जो मगजी लगवाई है वो भी जिस कलर का दुपट्टा है और जो इसके अंदर डिज़ाइन है वो भी उस कलर की इसके साथ मगजी लगी हुई है और बिल्कुल बारीक सी मगजी लगी हुई है। और इसके अलावा अब मैं आपको जो इनके बाजू का डिज़ाइन है वो क्लोज़ करके दिखाती हूँ और फिर उसके बाद इसके गले का डिज़ाइन। और इस जगह पे आप मोती भी छोटे छोटे लगा सकते हैं जो कि मैंने भी लगवाने हैं। और ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और मैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।